नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों के साथ। सनातन धर्म पर पूरे देश में विवाद जारी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हुए आमने सामने, वार पलटवार का दौर लगातार जारी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक आज, सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी नहीं होंगे शामिल, अभिषेक आज ईडी के सामने होंगे पेश। इंडिया अलायंस को बड़ा झटका, हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। शरद पवार के घर जुटेगा विपक्ष, सनातन पर जारी बहस पर चर्चा की तैयारी, सीट बंटवारे को लेकर भी बन सकती है बात। सिक्किम में लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने किया ऐलान, करीब 30,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक, जिले में हर दिन आ रहे हैं 70 से 80 मामले, सीएमओ ने लोगों से की है विशेष अपील। राजस्थान में 2 दिन बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप, पूरे राज्य में बुधवार और गुरुवार को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, ईंधन पर लगाए जा रहे वैट के विरोध में किया जाएगा प्रदर्शन। घोसी उपचुनाव पर बोले भूपेंद्र चौधरी, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा गलतियों से हारे घोसी उपचुनाव, लोकसभा में 80 में से 80 सीटें जीतने का फिर ठोका दावा। एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, सुपर फोर के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 41 रनों से दी मात। लंबा इंतजार हुआ खत्म, USB-C के साथ लॉन्च हुए नए एप्पल आईफोन 15, उम्मीद के मुताबिक 4 वेरिएंट के साथ बाजार में उतरे नए आईफोन। तो अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।